बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी पर हमला हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए वह मस्जिद गए थे, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई है। इकबाल अंसारी ने बताया कि उनसे नाराज कुछ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उन पर हमला किया है। ये हमला उनके ऊपर इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की प्रशंसा की थी। राम जन्मभूमि थाने में इकबाल अंसारी ने शिकायत की है, इस मामले की शिकायत की है और अंसारी ने राम जन्मभूमि थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। और इकबाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मस्जिद में खिड़की खोलते समय अयूब नाम के एक व्यक्ति ने उनके साथ हाथापाई की है। कि जो है, जो घटना है, बिजली सहित मस्जिद में जो है हम नमाज पढ़ने बराबर जाते हैं, आज भी गए थे और बगल में एक खिड़की लगी हुई है तो उस खिड़की को हम जो है खोल रहे थे और इसी की जो है खिड़की को लेकर के पप्पू उर्फ अयूब, ये लोग जो है तीन चार आदमी थे उसके अंदर जो है और जो है इन्हीं के घर के लोग हैं, वो हमसे हाथापाई करने लगे। उन्होंने कहा खिड़की को खोल, जो है खोल रहे हो, और खिड़की ये हमारी दुश्मनी उनकी जो है ये को ये हमसे जलते इसलिए हैं कि हम जो है आने वाली सरकार बाबा जी की तारीफ करते, इसी बात को लेकर के हमारी उनकी दुश्मनी है कि जो उनका यही मतलब है कि बीजेपी की बुराई करो तो जो है दंगा फसाद फैले और जो है इससे उन लोगों को जो है वो लोग चंदा वसूलने वाले हैं, उनका इसे जब जो कहीं बवाल होगा तो उनका फ़ायदा होगा। हमें चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों की सौहार्द बात की जो है बात करते हैं उनको ये बात